हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी एलसीडी एलईडी मॉनिटर में अगर ओएसडी लॉकआउट की प्रॉब्लम आती है, किसी में कोई सी भी कंपनी का हो, कोई सा भी मेक हो, तो सबका सलूशन सेम ही होता है। तो पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो डेफिनेटली आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की, मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद ही इसको रिपेयर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो टेक्निकल की आपके लिए मैं लाता रहता हूँ रिपेयरिंग से रिलेटेड। अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो ज़रूर चैनल पर विजिट करिए, देखिए बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सा भी पार्ट चाहिए एलईडी का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहां से व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो बात करें इसकी, ओएसडी लॉकआउट आ रहा है आपके मॉनिटर में, तो इसके कई तरीके हैं ठीक करने के, और सारा तरीका मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इस टाइप की। अगर प्रॉब्लम आ रही तो आप सोल्यूशन ज़रूर कर पाएंगे, कुछ ना कुछ इतने सोल्यूशन मैं बताऊँगा इसमें। तो अब इसमें होता क्या है, कई बार तो ये हमें कुछ सेटिंग करनी है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या कलर अपने अकॉर्डिंग, तो ये ओएसडी लॉकआउट है, मतलब ये इसका जो कंट्रोल पैनल मेन्यू है वो लॉक हो गया है, इसको हमें खोलना पड़ेगा। और कुछ मॉनिटर में क्या होता है कि ये अपने आप पॉपअप होता रहता है, ये आएगा फिर चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद काम करते रहेंगे आप आ जाएगा, तो उससे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी, आप खुद रिपेयर कर पाएंगे अपना मॉनिटर। तो अब इसमें सबसे पहला तरीका जो है वो ये मेन्यू आपका जो बटन है, एक ऑटो है, एक प्लस माइनस ऑटो, ये मेन्यू का बटन है, पावर का बटन है, सब में लगभग सेम ही होता है। तो आपको मेन्यू के बटन को 30 सेकेंड वो प्रेस करके रखना होता है, बिना छोड़े हुए इसको दबा के रखें। अभी देखिए खुलेगा और पूरा मेन्यू खुल जाएगा, जब तक नहीं खुलता है आप प्रेस करके रखें 30 सेकंड तक, वो अप्रोक्स खुल जाता है 20 से 30 सेकंड के बीच में। ये देखिए अनलॉक हो गया, अब आप यहाँ से कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, आपको जो इसमें चेंजेस करने हैं सारे चेंजेस कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी सेटिंग ख़राब हो गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सेटिंग ख़राब है, तो फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो फैक्ट्री के अकॉर्डिंग जो सेटिंग रहेगी वो आ जाएगी। तो अगर नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी सेटिंग बिगड़ी हुई है, जब मेन्यू उसमें इस कंडीशन में जब अपने आप पॉपअप होता रहता है उसमें सेटिंग ख़राब हो जाती हैं, उसके बाद आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट। अब एक तो ये सबसे पहला तरीका हो गया कि आप मेन्यू को प्रेस करके रखेंगे जब तक ओपन ना हो जाए। अब दूसरे केस में क्या होगा, अगर आपका बटन सी ख़राब हैं, ये स्विच होते हैं, अगर स्विच ख़राब हो गए हैं आपके, तो फिर क्या करेंगे, तब ये काम नहीं करेगा, इस टाइप के स्विच हैं, ये देखिए अगर ये ख़राब हो गए हैं तो फिर आप तो प्रेस करेंगे लेकिन वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ख़राब है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उस प्रॉब्लम के लिए आपको थोड़ा सा इसको मॉनिटर को खोलना पड़ेगा, तो मैं अभी खोल के आपको बताता हूँ कि खोल के फिर क्या करना है आपको। तो चलिए इसको खोल लेते हैं एक बार मॉनिटर को। तो इधर देखिए बैक साइड में स्क्रू लगे हैं यहाँ और कॉर्नर पे लगे हैं, तो इनको सारा हमें खोलना पड़ेगा। तो सारे स्क्रू हम खोल लेंगे, जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं बैक साइड में, उसके बाद फिर वेजल को खोलेंगे। अभी मैंने सारे स्क्रू खोल लिए हैं, अब आप इसको फ्रंट की साइड से बेजल को अनलॉक कर लें इस तरह से, ये देखिए, और इधर पूरा नहीं निकालते हैं कभी भी किसी मॉनिटर में, क्योंकि कई सारे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ केबल टूट जाती है, तो इसको बैक साइड, किसी किसी में आगे से खुलता है वो आपको देखना पड़ेगा। अब ये बैक साइड से ऐसे निकालेंगे आप, ये बैक कवर निकल जाएगा। अब यह है हमारा कंट्रोल पैनल, इसमें और कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है, बस यहीं पर होती है, कंट्रोल पैनल में ही प्रॉब्लम होती है। ये देखिए इसका कंट्रोल पैनल ये रहा, इसी में प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, इसके अंदर एक्चुअली में जो कनेक्ट होता है
ग्राउंड से और उसका सिग्नल से, जैसे मेन्यू हो गया, पावर का हो गया, तो मेटल का होता है तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ तो हम करते नहीं हैं, तो उसमें कार्बन या मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर की वजह से कार्बन आ जाता है तो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है जब इसको हम प्रेस करते हैं, तो इसलिए ये काम नहीं करता है या कई बार अपने आप सेंस करता है। जैसे मेन्यू अपने आप, पूरा मेन्यू भी अपने आप आता है, पॉपअप हो रहा है, जैसे ये तो USD लॉकआउट आ गया, पूरा मेन्यू भी अपने आप ही आता रहता है, तो उस कंडीशन में ये सेंस करता रहता है कि इसे हम प्रेस कर रहे हैं, तो वो कार्बन की वजह से ही होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है। तो उसके लिए आपको तो एक थिनर आता है आइसोप्रोफाइल, उसको इसमें स्विच में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, सारे स्विच में डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और प्रेस करिए इनको थोड़ी देर तक, तो कार्बन हट जाता है। और दूसरा एक ये जोरी कट्टी हट करके आता है, ये आपके कई काम में आ जाएगा, तो इसको आप ले सकते हैं, इससे भी आप इनमें स्प्रे करके, एक थिनर से अच्छा होता है ये जोरी, तो ये आपको 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है, तो इसको आप इससे भी इसका जो अंदर इसके कार्बन है उसको हटा सकते हैं। अब ये हो गया, अगर आप घर पे हैं कुछ नहीं है तो पेट्रोल डाल के देख सकते हैं, पेट्रोल तो आपको मिल ही जाएगा, पेट्रोल डालिए थोड़ी देर प्रेस करिए, हो सकता है, ज़्यादातर चांस रहता है कि उससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और तीसरा क्या है कि अगर आपके पास स्विच है, आप थोड़ा बहुत चेंज करना जानते हैं, तो ये चार पांच स्विच हैं, 4-5 रुपए का काम है, इतने में आपका ये रिपेयर हो जाएगा, तो आप ये स्विच ला के चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास वेल्डिंग आयरन वगैरह है तो। अब मान लीजिए कुछ नहीं है, ना तो पेट्रोल है ना तो ये है, फिर भी ये रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर क्या, फिर हम जुगाड़ लगाना पड़ेगा, फिर हमें कुछ नहीं करना है, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से हटा देनी है। अगर सेटिंग ख़राब नहीं हुई है, ब्राइटनेस वगैरह सही है, कंट्रास्ट सही है, तो फिर हमें ये यहाँ से हटा दीजिए। अगर मेन्यू पॉपअप हो रहा है या बार बार OSD लॉकआउट आ रहा है, तो इसका कनेक्शन हटा देंगे आप। ये अपने घर के लिए है कि आपको अगर नहीं कहीं ठीक करवा पा रहे हैं और आपको चलाना है, आपका काम सफ़र हो रहा है, तो इस केस में आप ये निकाल दीजिए कंट्रोल पैनल को। अगर मॉनिटर ऑन कंडीशन में, ऑफ़ करके नहीं, ऑफ़ करके देंगे तो फिर अपने आप ऑन नहीं होगा, मॉनिटर को ऑन रखिए, यहाँ से पावर निकाल दीजिए, ऑन कंडीशन में ही पावर निकाल दीजिए। उसके बाद अब जैसे ये पावर निकला है ऑन कंडीशन में है, और फिर हमने इसको कंट्रोल पैनल को निकाल दिया है, फिर हम पावर लगाएंगे तो मॉनिटर ऑन हो जाएगा, और ये कंट्रोल पैनल से हमारा कनेक्शन तो है नहीं, तो इसलिए पॉपअप नहीं होगा। और अगर ऑफ़ कंडीशन, ये देखिए ये ऑन है, तो हमने कंट्रोल पैनल निकाला हुआ है और ये मॉनिटर ऑन है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सा भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अपना मॉनिटर इस टाइप से रिपेयर कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल डिस्कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि इससे आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, कोई ना कोई तरीका तो आप करके आप रिपेयर कर सकते हैं अपना मॉनिटर। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अब इसी टाइप की कुछ नई वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।